हेलो फ्रेंड, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में जान रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में पार्ट वन में हम लोग जाने से 1 से 30 तक जान चुके थे। आज हम लोग जानेंगे 1 से 30 तक तो हो चुका था, अब हम 31 से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्या क्वेश्चन है। तो पार्ट टू में 31 नंबर सवाल हम लोग जान रहे हैं, पार्ट टू है ये। तो 31 सवाल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये 21 सितंबर को बात मनाया जाता है। और अगर हम 27 सितंबर की बात करें तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम अक्टूबर में 16 अक्टूबर की बात करें, 16 अक्टूबर को तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। 13 सितंबर की अगर हम बात करें, 13 सितंबर को कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो 31 नंबर का ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम 7 अप्रैल की बात करें तो आपका 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ठीक है, तो 7 अप्रैल को जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए थे, विश्व स्वास्थ्य दिवस और महिला चिकित्सा दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस एवं महिला चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम 3 मई की बात करें तो 3 मई को क्या मनाया जाता है? ठीक है, तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 21 मई की बात करें तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाया जाता है, राजीव गांधी की पुण्यतिथि और बलिदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर को। और 27 जून हमारे लिए कोई खास जून नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम 28 फरवरी को बात करें तो रमन प्रभाव खोज दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मतलब 28 फरवरी को मनाते हैं। और अगर हम 30 जनवरी की बात करें तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे। और इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वैलेंटाइन डे किस माह में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, फरवरी महीना मनाया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? 1 मई मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको बता होगा कि 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इस ये तो जून महीने में मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हो गया कितने मई को बताए, 1 मई को, यहाँ पे क्वेश्चन में ही है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये अप्रैल महीना में मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अलावा महिला चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं मनाया जाता है? ठीक है, तो आप लोगों को तो पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मार्च महीना मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस भी, अधिकार दिवस भी मार्च महीना में, विकलांगता दिवस भी, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमारा मार्च महीना में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 37 संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 27 का क्या आंसर होना चाहिए, 37 का आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको पता होगा राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? 28 नंबर का आंसर, सॉरी 38 का नंबर क्या होगा? ठीक है, 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक, डी नंबर आंसर है आपका, 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो 24 मई की अगर हम बात करें तो वो मनाया जाता है आपका राष्ट्रमंडल दिवस के बारे में, 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। और अगर हम 3 मई की बात करें, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है? ठीक, तो ये मनाया जाता है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। नॉर्मल क्वेश्चन है इस सब क्वेश्चन, अगर सूर्य देवता की पूजा करने के लिए तो ये और अपने ऑड लग रहा है, ये तो होगा नहीं आंसर आपका। और सौरमंडल के अध्ययन का बढ़ावा, ये भी ऑड है। ठीक, और अगर हम सूर्य देवता का जन्मदिन के लिए, तो ये भी आपका अजीब है। तो आंसर आपका बी सटीक नंबर है, बी नंबर मारना है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, या नहीं है बोल रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, बिल्कुल सही बोल रहा है।
विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को होता है, ये भी याद रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, सही है। अभी विश्व पर्यावरण दिवस 5 मार्च को, सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च नहीं होगा, यहाँ पे 31 होगा आपका, 31 मई, ठीक है। 31 मई को विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, जिसको तंबाकू निषेध दिवस भी कहा जाता है, 31 मई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 31 मई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर सवाल क्वेश्चन है, दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें विश्व वानिकी दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च, जैसे कि आप यहाँ भी पढ़े थे, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उसी तरह विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए यहाँ पे विश्व पर्यावास दिवस है, ये पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व ओजोन दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब देखिए ध्यान से, एक का आंसर मिला था आपका पर्यावरण दिवस 5 जून, 2 नंबर, तो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, यानी कि बी मेरा आंसर नहीं हो सकता है और सी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है, या तो ए होगा या तो डी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और एक दोनों में दे रहा है, इसका मतलब बी नंबर का जो होगा विश्व वानिकी दिवस वो 21 मार्च होगा, और ऊपर में पढ़ाए थे हम आपको 21 मार्च होता है, ठीक है, सही है आपका। अब यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता ही होगा कि ये विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि आपका ये जो आंसर हो रहा है 10 दिसंबर, ये आपका 10 दिसंबर को नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ये 5 तो नहीं है, 4 बता रहा है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, यानी कि 3 अक्टूबर होना चाहिए, ठीक है। विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस आपका आ जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए डी का 3 यहाँ पे है, सी का 4 यहाँ पे है, और बी का 2 है, बी का 1 है, तो बी का यहाँ पे 1 है, 4 है, 3 है, और 2 हो गया आपका, ये डी का 2 हो गया, देखिए डी का 2 है, विश्व ए का 2 है, तो विश्व वानिकी दिवस यहाँ पे है, विश्व पर्यावरण दिवस 2-5, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये कूट है, हम इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिस्टेक वगैरह करके समझा रहे हैं, ताकि आपको ये बहुत स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता होगा ये क्या चीज है, ठीक है। यहाँ जो मिलान करेंगे इस चीज में, ये मिलान को इसमें मिला के देखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत आसान है, समझने की दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है आपका सुमेलित करना है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय दिवस इधर दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय में विदेश की बात होगी, अतिथि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कहता है विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो 5 जून को मनाता है, ये तो पता होगा। जनसंख्या दिवस विश्व में 11 जुलाई को, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ये भी पता होना चाहिए। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अभी मैंने बताया था 31 मई को बताया था विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। और अगर हम उसके दूसरे भाषा में बोले तो विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस भी कहा जा सकता है। तो 1, 2, 3, 4 आपका आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखते हैं आपका, 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन है वही सुमेलित कीजिए, पहला में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इधर तिथि है। अब कहता है कि विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, ये तो 18 नवंबर को मनाया जाता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया था, ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है आपका, हो चुका है। अब विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर को और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। तो देखिए ध्यान से इसमें कौन कूट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए का 2 मिला था, ए का 2 मिला था, बी का 1, सी का 4 मिला था, सी का 4 और डी का 3 मिला था। आंसर आपका 43 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुमेलित कीजिए, फिर वही क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करना है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तिथि है। कहता है विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है।
उसी तरह से बी नंबर का अगर बात करें विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सबको पता होगा और ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। और अगर हम सी नंबर बात करें तो कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है 30 जनवरी को। और अगर हम ये ओलंपिक दिवस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ए का हुआ 4, ए का 4 सिर्फ यहाँ पे है, यानी आंसर मेरा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में अगर लिंक अच्छा दिया रहे, ऑप्शन अच्छा रहे, एक दो भी याद रहता है तो जल्दी बन जाता है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो फिर इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया है और इधर तिथि दिया है, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस तो आपको पता होगा कि 11 जुलाई को मनाया था। अब डी नंबर 4 नंबर आंसर हो रहा है इसका, ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया था, वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया था, 5 जून को मनाया था। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया था, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए सब, तभी आप कर सकते हैं। अब इसका कूट देखिए, एक का अगर 4 हुआ है तो एक का 4 कहाँ पे है, ठीक है, तो वो कूट में देखते हैं। आगे चलिए कूट में देखते हैं उसको कहाँ पे है ये सुमेलित। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि बी और सी में आंसर है। अब अगर हम सी नंबर की बात करें तो सी में 2 और 3 है, सी में 2 और 3 है। अब देखते हैं कि सी नंबर का 2 आता है कि 3 आता है, तो चलिए सी नंबर की बात करते हैं, पीछे जाके देख लेते हैं सी का 2 है या 3 है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सी नंबर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, 5 जून को, 2 है, तो आपका इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका सी का 2, सी का 2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, सुमेलित नहीं है वो बताना है, ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को दिया, सही बोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, ये भी सही बोल रहा है। स्वास्थ्य दिवस अगर 7 अप्रैल की बात करें, ये भी सही। विश्व मानवाधिकार दिवस, ये तो 1 सितंबर दिसंबर लिख दिया, 10 दिसंबर होना चाहिए, यानी कि मेरा सुमेलित ये नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहता है विश्व पर्व में 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस, आपको ये सारे क्वेश्चन को मैंने रिपीटेशन कर चुका हूँ। अगर आपको मन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिख के बताइए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, जो कि आपको बताया गया पिछले क्लास में, योग दिवस कब मनाया था, शहीद दिवस कब मनाता है। अगर मन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई मेरा बात को फॉलो किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको हम बताए थे, 48 नंबर का आंसर आपका सी नंबर होगा, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था 8 मार्च को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था, ठीक है, 49 नंबर आंसर का बताइए, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था, तो 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो उपभोक्ता दिवस अगर बात करें तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, तो 15 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन अगर हम 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल को अगर कोई दिवस ऐसे है नहीं खास, अगर ओडिशा, इस दिन ओडिशा राज्य की स्थापना हुआ था, तो ओडिशा दिवस की बात कर सकते हैं 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर हम अक्टूबर में 23 अक्टूबर की बात करें तो 23 अक्टूबर को कुछ नहीं होता है, 23 अक्टूबर को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दिन नेक्स्ट दिन यानी कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। लेकिन अगर हम 15 मार्च की बात करें तो ये तो बताया गया है उपभोक्ता दिवस है, लेकिन 5 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 5 दिसंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो आपका उपभोक्ता दिवस 15 अक्टूबर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 10 दिसंबर मनाया जाता है, 10 दिसंबर, देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की अगर हम बात करें तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और मानवाधिकार दिवस तो आपको बता ही दिए हम, 10 दिसंबर, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, ये सबको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, हम आंसर टिक कर चुके हैं, 52 नंबर का आंसर आपका
डी नंबर, ठीक है 21 जून को। अगर अगर हम 21 जुलाई की बात करें, ठीक है जुलाई महीना में 21 जुलाई को कोई भी अप्रैल मतलब कि कोई भी तिथि नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर हम इसके एक दिन नेक्स्ट की बात करें 22 जुलाई को बात करें तो राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसी तरह 23 अप्रैल, ठीक है 23 अप्रैल को भी कोई खास दिन नहीं है, लेकिन 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। 21 सितंबर की अगर हम बात करें, ठीक है तो 21 सितंबर को भी कोई खास दिन नहीं मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं। आपको 21 जून इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय योग दिवस में। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाया जाता है, अक्टूबर महीने में आपको बताया गया था नौसेना दिवस। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर या किस में मनाया जाता था विश्व एड्स दिवस, मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को, ठीक है शायद आपको याद नहीं हो, 4 दिसंबर को, ठीक है। नौसेना दिवस अगर हम बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बाल दिवस की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि 14 नवंबर को मनाया जाता है, उसी दिन मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बच गया यूनिसेफ डे दिवस, ठीक है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे यूनिसेफ डे दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, ठीक है तो क्या आंसर होना चाहिए आप लोग बताइए थोड़ा देर पहले। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि शनिवार को जो राष्ट्रीय स्वच्छता अंतिम यानी कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, यानी कि शनिवार को साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है और राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के अनुसार चलता है, ये फ्रांस देश है, ठीक है फ्रांस। 55 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है तो बालिका दिवस कब मनाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 11 अक्टूबर को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, कहता है कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, एकदम ये सही है, ठीक है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, बोलिए भाई एक विकलांग दिवस तो आपको ये 5 जून को तो विकलांग दिवस नहीं आता है, 5 जून को क्या मनाया जाता है, ठीक है तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम 10 दिसंबर को बात करें तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे 1 और 3 नंबर सही है आपका, सी नंबर आपका सही है, सी नंबर आपका इसका सही हो जाएगा आंसर आपका। अगर 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस, तो विकलांग दिवस क्या मनाया जाता है, तो विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है, आप जान लीजिए यहाँ पे विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। विश्व एड्स दिवस, ठीक है आपको बोल रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, क्या आपको ये पता है, तो आपका विश्व एड्स दिवस अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मानक दिवस, ठीक है विश्व मानक दिवस का मनाया जाता है, विश्व पर्यावास दिवस का मनाया जाता है और विश्व विकलांग दिवस का मनाया जाता है, अभी मैंने बताया विश्व विकलांग दिवस का मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को हम इधर पर्यावास दिवस की भी चर्चा कर चुके हैं, विकलांग दिवस का भी कर चुके हैं और मानक दिवस का भी चर्चा, आपको एक जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 57 नंबर का क्वेश्चन का अगर आप लोग दिमाग लगा के कर सकते हैं तो हमको कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं, 57 आपको नहीं बता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये नंबर आंसर रहेगा। और अगर हम ये 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च कोई इम्पोर्टेंट डे नहीं है, 21 अप्रैल भी इम्पोर्टेंट डे नहीं है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं हिंट्स कर देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था, ये तो 1973 से स्टार्ट हुआ था, 5 जून 1973 से, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। विश्व टीवी दिवस कब मनाया था, तो ये तो 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सा दिन विश्व तंबाकू एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है तो आंसर हो जाएगा आपका 23 अप्रैल को, ठीक है। 13 जनवरी 23 जनवरी 13 मार्च, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन 14 मार्च को यहाँ पे विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ 13 मार्च दिया है तो इम्पोर्टेंट नहीं है।
और यहाँ पे बोला है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 27 अप्रैल। कैसा लग रहा है दोस्तों, मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। ठीक है।